देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। जनपद शामली के कैराना कोतवाली क्षेत्र के मवी गांव में खेत पर मजदूरी करने गए ग्रामीण के घर में अज्ञात कारणों से आग लग गई। मामला शामली के कैराना कोतवाली क्षेत्र पानीपत रोड पर स्थित मवी गांव का है, जहां पर गांव निवासी जाकिर आज सुबह अपने परिवार के साथ खेत पर कृषि कार्य करने हेतु गया हुआ था। उनके बंद मकान के ऊपर लगे छप्पर में अज्ञात कारण से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भयंकर रूप धारण कर लिया। वहीं आग से जाकिर के घर में रखा सामान जलकर राख हो गया। आग की सूचना पर दमकल विभाग एवं पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन जब तक आग बुझ पाती तब तक घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। इससे पहले ग्रामीणों ने भी आग पर काबू पाने के लिए बाल्टी से पानी डालकर आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पा सके। उधर यमुना ब्रिज चौकी पर तैनात एसआई हरिओम त्यागी ने बताया कि जैसे ही सूचना मिली उन्होंने दमकल विभाग को बुलाकर आग को बुझाया। उन्होंने बताया कि आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल सका है, मामले की जाँच की जा रही है। जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सलमान है जी। भाई ये कौन सा गाँव? ये कुकोर गाँव है जी, मोई का गाँव। भैया ये जो आग लगी क्या मामला है पूरा? ये भैया इस आग के बारे में कुछ कह नहीं सकते, आग है ना जो अपना आग लगी अंदर से लगी आग। तो नुकसान कितना नुकसान है? नुकसान बहुत नुकसान है भाई, बड़े भाई सब जो था अंदर सब जल गया पूरा। एक लड़की का सामान था सब जल गया। आपका क्या नाम है भैया? नफीस। भाई ये जो आग लगी ये पूरा मामला क्या है? ये पता नहीं किस तरह लगे अंदर जब आग लगी जब कुछ आना है। तो पुलिस को फोन किया आपने? पुलिस को। और ये मकान वाले जिसका मकान था ये जो आग लगी गई वो लोग कहाँ है सब? कहना है सब उनको फोन कर दिया आपने? उनको फोन करा जब आग लग रही थी तो जब आग।